हम लोगों को सुबह 6 बजे के न्यूज से समाचार मिला। संघ के शाखा में गांधीनगर बेंगलोर में मैं और बाकी मित्र जो शाखा में थे, हमको शाखा जाते जाते ये समाचार मिल गया। पार्लियामेंट के कमेटी के काम के लिए अटल जी, अडवाणी जी, मधु दंडवते जी और एसएन मिश्रा जी ये बंगलोर आकर रुके थे। शाखा के समाप्ति होते ही हम लोग वहाँ गए और अटल जी, अडवाणी जी स्नान वान करके नीचे जलपान के लिए आ रहे थे। उनके आगे के कार्यक्रम के लिए उनको जाना था, तो हमने कहा इमरजेंसी हो गई। किसने कहा ऐसे, शायद उनको तब तक जानकारी भी नहीं थी या जानकारी होगी, उन्होंने पूछा। तो हमने कहा रेडियो में सुना हमने और ऐसे हुआ। तो अडवाणी जी तुरंत UNAPTA को फ़ोन लगाओ, ऐसे करके फ़ोन लगाने स्टेटमेंट देना है फ़ोन पर इसके खंडन करते हुए। अटल जी ने कहा क्या कर रहे हैं, ने मैं स्टेटमेंट देता हूँ, अपने तरह से वक्तव्य देना। अटल जी ने कौन छापने वाला है, तो अटल जी को पता चल गया था कि इमरजेंसी घोषित होते ही प्रेस संसार भी साथ साथ हो गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट वेटमेंट अगले कोई छापने वाला नहीं है। जलपान के लिए नहर जाते हुए वो अपने कमरे में वापस गए, हम भी पीछे पीछे गए। थोड़े समय के अंदर पुलिस आ गई, तो उस ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं साक्षी रहा। अटल जी, अडवाणी जी, एसएन मिश्रा जी तीनों को पुलिस ने गिरफ्त करके हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन पर लेके गए।